स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल बपिया मऊ प्रतापगढ़। तो चलिए आज बच्चों, आज आप लोग को हम हिंदी की बुक में हमने क्या पढ़ाया, तो चलिए अपनी अपनी हिंदी की बुक ओपन करिए आप लोग। तो आज हमने आपको क्या पढ़ाया, देखिए आज आपको पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पढ़ाया ना। आपको क्या पढ़ाया था, धा से लेके सा से सरजम पढ़ाया ना। तो चलिए ये तो आपका क्लास वर्क हो गया, तो आप लोग अपनी हिंदी की कॉपी निकालिए। तो ये चलिए देखिए आप लोग अपनी हिंदी की कॉपी निकालिए। यहाँ पे देखिए मैंने होमवर्क दिया है आपको, तो आप लोग को इसी तरीके से नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है। तो देखिए पहले आप लोग को पेंसिल से क्या मेंशन करना है, पहले यहाँ पे क्लास, देखिए मैंने क्लास LKG मेंशन किया है ना। अब नीचे देखिए यहाँ पर Day 5 आपका है, आप इसके बाद देखिए क्या है ये होमवर्क आपका। अब नीचे आइए, नीचे देखिए हमने क्या लिखा है, मैंने इसे पेन से लिखा, लेकिन आप लोग इसको पेंसिल से हेडिंग डालेंगे, ठीक है। लिखेंगे आप लोग अक्षर से अक्षर मिलाओ, ठीक है। अब नीचे देखिए यहाँ पे नीचे मैंने स्वर लिखा है आ से ओ तक, ठीक है। तो चलिए पहले एक बार रीड करा देते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे मिलाना है। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ री ए ऐ ओ, तो ये आपके अक्षर हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी सेम चीज़ें देखिए दिख रहा है ना, है तो देखिए इसको मिलाना है हमें अक्षर से अक्षर। अब देखिए बड़ा को किस में मिलाना था, बड़ा हमें। अब छोटा को किस में मिलाना था, छोटा हमें। अब यहाँ पे देखिए छोटी को किस में मिलाना है, छोटी में, तो आप लोग मिलाइए। अब बड़ी को किस में मिलाना है, बड़ी में मिलाइए। अब नीचे आइए, नीचे देखिए छोटा ऊ को किस में मिलाना है, छोटा ऊ में। अब बड़ा ऊ को किस में मिलाना है आपको, बड़ा ऊ में। तो आपको ऐसे ही नीचे आपको करना है, समझ में आ गई ना। तो आप लोग कॉपी अपनी हिंदी की लीजिए, वहाँ पे अच्छे से ऐसे मेंशन करके डे, फिर राइटिंग से आप लोग अच्छे से करके आप लोग होमवर्क करने के बाद सेंड करिएगा, ठीक है। तो आज आप लोग अपनी ओपन करिए अब इंग्लिश कॉपी, तो कर लिया आप लोगों ने ओपन, तो चलिए ठीक है। तो आज आप लोग अपनी क्या हमने पढ़ाया था आप लोग का पेज नंबर 10, तो देखिए आज आप लोग का पेज नंबर 10 में हमने पढ़ाया। तो आज देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क, ये तो आपका क्लास वर्क हो गया और होमवर्क में भी फिल करने के लिए मैंने बता दिया था आप लोग को, लेकिन कॉपी में भी तो आप लोग को करना है। तो चलिए इंग्लिश कॉपी आप लोग ओपन करिए अपनी। देखिए आज कॉपी में आपको क्या करना है, पहले आप लोग पेंसिल अपनी लीजिए, यहाँ पे पहले क्या मेंशन करेंगे, क्लास, क्लास आपका क्या है LKG। अब नीचे देखिए मैंने क्या लिखा, Day 5, आप लोग फिर आप होमवर्क मेंशन करेंगे, ठीक है। अब नीचे आइए, नीचे देखिए क्या लिखा है, मैच द लेटर्स। अब आपको जैसे हमने हिंदी में आप लोग को होमवर्क दिया ना, तो वैसे ही आपको सेम चीज़ें आपको उसमें करनी है। देखिए कैसे, इसको जितने भी लेटर्स हैं उसमें मैच करना है, जैसे ए को ए में मैच करना है, बी को बी। चलिए एक बार बता देते हैं लेटर्स को एक बार, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आपके ए से लेके आई तक लेटर्स हैं, ठीक है। अब चलो हम एक दो करके आपको दिखा दे रहे हैं, फिर आपको खुद से करनी है, ठीक है। और आप लोग गुड बॉय हो गुड गर्ल हो, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। तो चलिए आप लोग देखिए ए को किस में मिलाएंगे, ए में मिलाएंगे। चलिए बी को किस में मिलाना है, बी में। अब सी को आपको किस में मिलाना है, सी में। डी को आपको किस में मिलाना है, डी में। तो इसी तरीके से आपको नीचे भी ऐसे करना है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया आप लोग को ना, हाँ राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आप लोग ओपन करिए अपनी, आप लोग मैथ बुक ओपन करिए, तो कर लिया आप लोगों ने बुक ओपन, तो चलिए ठीक है। आज अपना आप लोगों को क्या मैंने पढ़ाया था, पेज नंबर 8 पढ़ाया था ना, आप लोग आज पेज नंबर 8 पढ़े थे, तो आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया है। और नहीं भी समझ में आएगा तो आप लोग मुझे वॉइस कॉलिंग के थ्रू बोल सकते हैं कि मैम ये लेसन मुझे फिर से पढ़ाइए, तो मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज आप लोग अपनी अपनी मैथ की कॉपी निकालिए, ये तो आपका क्लास वर्क हो गया। अब होमवर्क में देखिए आपको क्या करना है, पहले आप लोग यहाँ पे क्लास मेंशन करेंगे, क्लास आपका क्या है LKG। तो चलिए मैं यहाँ पे LKG मेंशन कर देती हूँ, ये आपका LKG हो गया। तो अब Day 5, अब यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया, होमवर्क। अब आपको यहाँ पे देखिए आज क्या करना था, राइट 1 to 10 नंबर्स नेम। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए मैंने 1 to 10 नंबर्स लिखा है ना, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो समझ में आ गया आप लोगों को ना। अब इसके नेम लिखने हैं, देखिए यहाँ पे लिखा ना 1 to 10 नंबर्स नेम, तो हमने नंबर्स लिख दिया यहाँ पे, पहले आप लोग नंबर्स लिखेंगे फिर नेम,
जब नेम में देखिए क्या है, वन का आपको क्या लिखना है, ओ एन ई वन, तो आप लोग को ऐसे राइटिंग में लिखनी है, अब से टी डब्ल्यू ओ टू, ठीक है, समझ में आ गया ना। ऐसे 1 से 10 तक आपको लिखना है राइटिंग से, और अच्छे से आप लोग लिखिए बढ़िया से, और बॉक्स को अच्छे से टच कराना है, ठीक है। तो आज आप लोग अपनी ओपन करिए पेज नंबर माय पिक्चर एल्बम बुक 3, तो कर लिया आप लोगों ने बुक ओपन। तो चलिए आज आपका पेज नंबर हमने क्या पढ़ाया था आपको, पेज नंबर आपको पढ़ाया था 6 ना, आज आपको क्या पढ़ाया था हमने, डोमेस्टिक एनिमल्स, तो इसके बारे में मैंने आप लोग को अच्छे से वीडियो में पढ़ाया ना। तो चलिए आज आपका होमवर्क मैं क्या दे रही हूँ, अभी तो मैंने आपको इसको पढ़ा दिया, ये क्लास वर्क आपका हो गया, तो आपको होमवर्क में भी खुद से करना है ना। तो मुझे पता है वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे से रीड करते हो, लेकिन इसको तो मुझे पता है आप लोग 5 मिनट्स में रीड कर लोगे। तो चलिए आप लोग क्या करना है इसमें, ये डोमेस्टिक एनिमल्स जितने भी हैं जैसे मैंने आपको वीडियो में रीड करा है उसी तरीके से आप लोग को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोग को ना। तो आज आप लोग आप ओपन करेंगे अपनी ड्राइंग बुक, तो कर लिया आप लोगों ने ओपन। तो चलिए आज आपका देखिए ड्राइंग में क्या है, पेज नंबर आज आपका 6 है। तो देखिए आपको ये पेंसिल दिख रहा है ना, इसको अच्छे से आपको कलर करना है, और हाँ आप लोग कलर अच्छे से करिएगा लेकिन पेंसिल कलर से, ठीक है, और मोम कलर से भी कर सकते हो आप लोग। तो ये आपका आज का क्या है, होमवर्क है। तो आज आप लोग अच्छे से होमवर्क करिए, कल का होमवर्क आप लोग को कल हम देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।